ये कहानी दो ऐसे लड़कों की है जो अपनी भाभी के साथ बीच पर जाके एक साथ घबा घब करते हैं। और वो लोग ये महान काम कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है एंड योर मदर टू। तो ये मूवी बेसिकली दो टीनेजर्स पे आधारित है जिनका नाम है जूलियो और टेनोज। जहाँ जूलियो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वहाँ टेनोज के पिता एक हाई रैंकिंग पॉलिटिकल ऑफिशियल है और उनकी फैमिली काफी रिच है। जूलियो और टेनोज बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते हैं और सारे काम इकट्ठा करते हैं, इतना कि दोनों हिलाते भी एक साथ ही है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की गर्लफ्रेंड अपनी फैमिलीज के साथ यूरोप ट्रिप में जाने वाली है। इसलिए ट्रिप में जाने से पहले दोनों आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हैं और उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट जाते हैं। अब गर्लफ्रेंड जाने के बाद दोनों कुछ दिनों के लिए बैचलर हो जाते हैं और अपने एक गंजेरी दोस्त साबा के साथ सुट्टेबाजी और सस्ते नशे करने लगते हैं। ये सब के बीच में टेनोज के पिता उनके फैमिली में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ देश के काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, इवन प्रेसिडेंट भी। टेनोज पार्टी में जूलियो को भी अपने साथ लेके जाता है, पर कुछ समय बाद दोनों बोर हो जाते हैं क्योंकि पार्टी काफी बोरिंग थी और लोगों से ज्यादा तो उनके बॉडीगार्ड्स भरे हुए थे। वहाँ रेस्टोरेंट के पास उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है लुइसा। लुइसा उनसे काफी बड़ी थी और असल में वो टेनोज की कजिन जानोज की वाइफ थी, जिसको टेनोज नहीं जानता था। इसीलिए जान न पहचान दोनों उसके पास जाकर ठहकी गिरी चालू करते थे। जब लुइसा अपनी पहचान देती है तब दोनों हैरान हो जाते हैं कि जानो को लुइसा जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। हालांकि कुछ साल पहले टेनोज लुइसा से मिला था, पर तब वो बहुत छोटा था और उसे अभी कुछ याद नहीं। लुइसा कहती है वो यहाँ मौजूद सुंदर सुंदर जगह घूमने आई है, स्पेशली बीचेस। जब उन्हें पता चलता है कि लुइसा को बीचेस पसंद है, तब दोनों उसके सामने लंबे लंबे फेंकने लगते हैं कि उन्हें भी ट्रैवल करना पसंद है, बीचेस घूमना पसंद है। और कल वो लोग एक मिस्टीरियस बीच घूमने जा रहे हैं जिसका नाम है हेवन्स माउंट। वो जगह को सिर्फ कुछ ही मछुआरे जानते हैं और वहाँ जाने पर लगता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर है। दोस्तों असल में हेवन्स माउंट करके कोई बीच के बारे में जूलियन और टेनेंस को नहीं पता था। एक बार नशे की हालत में उनका गंजेरी दोस्त साबा उन्हें ऐसे ही जगह के बारे में बताया था और जोश जोश में ये लोग लुइसा के सामने बग देते हैं। वो लुइसा को भी उनके साथ चलने का इनविटेशन देते हैं, बट लुइसा उनका बड़बोला नेचर देख के उन्हें अवॉइड करती है। पार्टी के बाद लुइसा हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसका एक रिपोर्ट आने वाला था। रिपोर्ट आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। लुइसा बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, बट इसके बारे में अपने पति जानू को बता के उसे दुखी करना नहीं चाहती है, क्योंकि जानू को अभी अभी एक बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिलने वाला था। घर आने के बाद लुइसा को जाने का कॉल आता है, जो कि एक दूसरे सिटी में एक सिंपोजियम अटेंड करने के लिए गया था और काफी पिया हुआ था। वो रोते हुए उसे माफी मांगता है और कहता है उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो नशे के हालत में एक दूसरी लड़की के साथ खपा खप कर लिया था और अभी उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है और वो उससे बहुत प्यार करता है। बट लुइसा को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके लाइफ के बस कुछ ही समय बचे हैं जिसको वो दिल खोल के बिना किसी गम के साथ जीना चाहती है। इसीलिए वो टेनोज को कॉल लगाती है और उनके साथ हेवन्स माउंट जाने के लिए हाँ कर देती है। अब टेनोज टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि पहले वो लोग कोई भी ट्रिप पर जाने वाले नहीं थे और दूसरा उन्हें ऐसी कोई जगह है भी या नहीं इसके बारे में नहीं पता था। बट क्योंकि उनके दिमाग में अब ठरक चढ़ा हुआ था, इसलिए दोनों उनके गंजेरी दोस्त साबा के पास जाते हैं, जो अभी भी सस्ता नशा करके बैठा हुआ था। वो उससे उस बीच का लोकेशन पूछते हैं तो साबा कहता है शैतान गली खतरा महल अंधेर नगर और शमशान के सामने। नशे की हालत में सबा मैं अपने हाथ फेर के एक रैंडम सा जगह दिखा के बोलता है कि यही है। दोनों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बट उन्हें लुइसा को कहीं तो लेके जाना था। फिर दोनों अपने साथ कुछ जरूरत के सामान लेते हैं, जैसे कि फूड, बियर, कपड़े और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुब्बारे, इन केस दे गेट लकी। लुइसा को पिक करके बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों लुइसा अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताई थी और उसे टेनोज और जूलिया के डेथ के बारे में साफ पता था, बट उसे इसके बारे में कोई परवाह नहीं है। अब उसके पास चिंता करने के लिए और भी चीजें थी। बातों बातों में वो कहती है कि वो डेंटल टेक्नीशियन है। जानो से मुलाकात उसकी एक बार में हुई थी। जानो उसका पहला बॉयफ्रेंड नहीं था। जब वो टीनेजर थी तब उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसने खपा खप किया था और उसके बॉयफ्रेंड का 17 साल में एक बाइक के एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वो हमेशा उसके साथ बाइक पे घूमने जाती थी, इसीलिए उसे आज भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। उस रात वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ टेनोज और जूलियो अपने ठरक को शांत करने के लिए उसके कमरे में ताका झांकी करते हैं, बट देखते हैं कि लुइसा रो रही है। दोनों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अगले दिन फिर से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, जहाँ टेनोज उन्हें माल फूकने देता है जो उसकी गंजेरी दोस्त साबा का प्रसाद था, जिसका कहना था इसे पीने से तुम्हें जन्नत की आनंद मिलेगी। उसके बाद लुइसा कहती है कि कल रात मैंने तुम्हें अपने कमरे के बाहर देखा था, क्या तुम लोग मेरे पपीते देखने आए थे। ये सुन के दोनों की फट जाती है, बट लुइसा इसे मजाक में उड़ा देती है। वो उनसे उनकी गर्लफ्रेंड और उनके लाइफ में घपा घप कैसे चल रहा है उसके बारे में पूछती है और वो लोग उनकी गर्लफ्रेंड के साथ कौन से पोजीशन में करते हैं और उन्हें एक्साइट कैसे करते हैं। जूलियो और टेनोज अपने मर्दानगी का प्रूफ देने के लिए और भी लंबा लंबा फेंकने लगते हैं।
पर कहते हैं कि उन्हें कामा सूत्रा से भी ज्यादा पोजीशंस मालूम है। इतना ही नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के उनकी और भी लड़कियों के साथ संबंध है। तो बेसिकली उनका कहना था कि ए, मेरे मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो, मैक्सी भाई रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। तभी अचानक एक गांव के पास उनकी कार खराब हो जाती है, तो उन्हें उनकी जर्नी रोकनी पड़ती है। वो लोग कार एक गैरेज में लेके एक पास के होटल में रुकते हैं, जहाँ लुईसा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसके वॉइस मेल में एक मैसेज छोड़ती है कि उसके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती है। ये उसका आखिरी कॉल है और उसे उसका ख्याल रखने के लिए कह के कॉल काट देती है। उसके बाद होटल में टनोर जब शावर ले रहा होता है, तब शैम्पू लेने के लिए वो लुईसा के कमरे में जाता है। तब लुईसा उसे अपने टॉवल उतारने के लिए बोलती है और उसके सामने हिलाने को बोलती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और दोनों गपागप शुरू कर देते हैं, मगर टनोर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बस कुछ ही सेकंड के अंदर क्लाइमेक्स पहुंच जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसे लगता है कि उसने लुईसा को डिसअपॉइंट किया है। इस तरफ उनके बीच गपागप होते हुए जूलियो देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। एंड ही वाज लाइक उसे काफी जलन होता है कि लुईसा ने उसके बजाय उसके दोस्त को चुना है। वो उदास होकर पुल के पास बैठ जाता है, जहाँ कुछ देर बाद टनोज कूदते हुए आता है। टनोज उसके और लुईसा के बीच हुए घपाघप के बारे में उसे बताता है, जिसे सुनकर जूलियो के पिछवाड़े में आग लग के धुआं निकलने लगता है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसके सामने एक बात कन्फेस करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड इना के साथ सो चुका है। अब ये सुनकर टनोज गुस्से में लाल पीला हो जाता है और दोनों के बीच में काफी बहस होती है। जूलियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन नशे की हालत में दोनों अपना आपा खो बैठे थे और गलती से दोनों ने घपाघप कर लिया था। वो अपने घुटनों पे बैठ के टनोज से माफी मांगता है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मगर इसके बावजूद भी उनके बीच में टेंशन दूसरे दिन भी रहा है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। लुईसा समझती है कि कल उसने टनोज के साथ घपाघप किया था और शायद इसीलिए जूलियो नाराज है। वो कार के पिछली सीट में जाती है और जूलियो को किस करने लगती है। ये देख के टनोज शॉक हो जाता है, बट लुईसा कहती है कल उसके रूम में अगर जूलियो आया होता तो वो उसके साथ भी घपाघप कर लेती। ये सुनकर टनोज को बुरा लगता है और वो कार को एक जगह रोक के बाहर निकल जाता है। लुईसा जूलियो के साथ कार में ही घपाघप करने लगती है। टू वर्ड सरप्राइज, जूलियो का एक्साइटमेंट भी उसके दोस्त की तरह ही कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। मतलब खेलने का शौक है पर तेरी पिचकारी में दम। उसे लगता है कि उसने भी लुईसा को डिसअपॉइंट किया है। इसके बाद लुईसा टनोज को समझाने जाती है और कहती है शुरुआत से ही तुम दोनों का इरादा यही था कि ट्रिप के बहाने तुम दोनों मेरे साथ घपाघप करो। अब जब मैं दोनों को ही इक्वली खुश करना चाहती हूँ तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये सुनकर टनोज समझ जाता है और गाड़ी में वापस लौटता है। अब कुछ दूर जाने के बाद टनोज अचानक जूलियो से कहता है कि उसने भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप किया था। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई फिर से जोर पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लुईसा उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर गलती से जूलियो उसे धक्का मार देता है, जिसे गुस्सा होकर लुईसा कार से अपना बैग निकाल के वहाँ से जाने लगती है। उसे मनाने के लिए टनोज और जूलियो को जल्दी से पैचअप करना पड़ता है, जहाँ टनोज घुटने पे आके उससे माफी मांगता है क्योंकि रात को घुटने पे आने पे ही टनोज ने उसे माफ किया था। वो दोनों जल्दी से लुईसा के पास जाते हैं और उसे माफी मांग के उसे किसी तरह मना लेते हैं। इसके बाद फिर से उनकी जर्नी हेवेंस माउथ की तरफ कंटिन्यू होती है, जिसका दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था। रात को जूलियो हाईवे से हट के कच्ची सड़क की तरफ मोड़ लेता है, जहाँ उनकी कार एक रेत में फंस जाती है और उन्हें मजबूरन वहीं पर रात गुजारनी पड़ती है। सुबह नींद खुलने पर वो अपने सामने एक खूबसूरत बीच देखते हैं, जो बिल्कुल ही खाली और शांत है। वो लोग वहीं अपना टेंट लगाते हैं और बीच पर उनका समय अच्छा गुजरता है। तीनों बीच पर गेम खेल के बियर पी के अपना टाइम एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ उनका मुलाकात एक मछुआरा उनकी फैमिली से होता है, जो उन्हें खाना बनाकर देते हैं। वो उन्हें एक मैजिकल आइलैंड पे ले जाने की बात करते हैं, जिसका नाम था हेवेंस माउथ, मतलब साबा का बात सच था। और सही में हेवेंस माउथ नाम की एक जगह एग्जिस्ट करती है। उनका दोस्त कितना भी नशा करता हो, ही ड्रिंक्स एंड ही नोस थिंग्स, यू नो व्हाट आई डिड देयर राइट। वो तीनों उस मछुआरे के खूबसूरत बोट पर बैठ के उस खूबसूरत आइलैंड पे पहुंचते हैं, जहां वो मछुआरे का फैमिली रहता है। तीनों वहां खूब मस्ती करते हैं और लुईसा अपनी आखिरी कुछ समय को दिल भर के जीती है। शाम को तीनों वापस